सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी का 10वां चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, हम आपको इस चैप्टर से टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे। फ्रेंड्स, ये 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन को आप लिख कर याद करते चलिए। यदि फ्रेंड्स आपने चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 9 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो फ्रेंड्स आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि फ्रेंड्स वे सारे क्वेश्चन, वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज से आपका एग्जाम केवल 1 मंथ ही बचा है। फ्रेंड्स, आप ये केवल 1 मंथ ही चांस पढ़कर अपने एग्जाम 80 से 85% स्कोर कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि आर्सेनिक एक प्राकृतिक जैविक है, आर्सेनिक एक प्राकृतिक जैविक है जो प्रेरित होता है तो लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर टू, प्राकृतिक जैविक है एक तो फ्रेंड्स प्राकृतिक जैविक एक औषधिया होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो फ्रेंड्स सिरका उद्योग में एसीटोवैक्टर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन फोर 2012 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि वायुगैस में होता है तो फ्रेंड्स वायुगैस में अमोनिया होता है, NH3 होता है, वायुगैस में अमोनिया होता है। देखिए क्वेश्चन 5 दो बार पूछा गया है 2016 और 2017 के बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो फ्रेंड्स दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बीटी कॉटन प्रतिरोधी है तो फ्रेंड्स बीटी कॉटन कीट का प्रतिरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रोबायोटिक्स एक सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी है। क्वेश्चन नंबर एट, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो इसका आंसर होगा जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। देखिए क्वेश्चन 9 2015 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इटली और ढोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो जीवाणु के प्रयोग से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एनआईएफ जीन पाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह जीन राइजोबियम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एल्कोहलिक किण्वन होता है तो ईस्ट में एल्कोहलिक किण्वन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वीरीवरी किससे संबंधित है, तो वीरीवरी सेरकोमाइसिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, करोरेला क्या है, तो यह एक शैवाल है, करोरेला एक शैवाल है। देखिए क्वेश्चन 14 2016 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, तो इसका आंसर होगा स्पाइरुलिना। क्वेश्चन 15, किस गैर फली पौधे के जड़ के पिंड में जैविक खाद मौजूद है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एजियोटोवैक्टर। क्वेश्चन 16, प्रोबायोटिक्स क्या है, तो प्रोबायोटिक्स एक जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, तो फ्रेंड्स ईस्ट राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशक है, तो इसका आंसर होगा एस्पिरिन व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम कीटनाशक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फ्रेंड्स कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधि किससे आती है, तो जीवाणु से पनीर में विशेष प्रकार का सुगंध आता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके बायोलॉजी का 10वां चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर एक नया वीडियो बनाने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दे।